हेलो गाइस, सुपर मैथ्स विद योगेश तिवारी में आज मैं आपको अलजेब्रा पार्ट फोर्थ एडिटरीज पावर हाफ वाली बताने वाला हूँ। मैंने आपको कौन कौन सी बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें पावर क्या क्यूब वाली बता चुका हूँ, स्क्वायर वाली बता चुका हूँ। अब बात किस पे आते हैं भाई, पावर हाफ हो रही है या प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, दोनों कराऊँगा। आज मैं सिर्फ हाफ वाली कराता हूँ, हाफ वाली कराऊँगा। मुझे देखे क्या रखेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा होगा और पूछ लेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा और एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। दोनों चीज़ें पूछ सकता है मेरे से, क्यों? क्योंकि भाई जब भी मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर देता है, और जब भी मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर देगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। अंतर किस में होता है भाई, एक में तो माइनस टू ए भी होता है, एक में प्लस टू ए भी होता है। इसलिए ही दोन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स इसी से निकलेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बात आती है। कैसे भाई बात आते कैसे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर भाई, ये भी ए है ये भी है। अगर मैं इसमें प्लस टू ए, ए क्या है मेरा यहाँ पर एक्स है, बी क्या है वन बाई एक्स है। यहाँ क्या करेंगे भाई, ए जब मैंने इधर भी टू ए भी जोड़ा है भाई, इधर भी जोड़ूंगा ए प्लस टू एक्स प्लस इंटू वन बाई एक्स, एक्स से तो एक्स यहाँ पर भी कैंसिल आउट, एक्स से एक्स यहाँ पर भी कैंसिल आउट। मैं बोल दूँ ये पूरा किसका, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। और ये क्या बनेगा भाई, ए प्लस टू भाई, ए प्लस टू तो बनेगा। जब मैं इसको हटाऊंगा तो क्या देगा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट में a प्लस बी, ए प्लस टू, क्या a प्लस टू। और ये किसका होगा, प्लस माइनस दोनों, किस में होगा प्लस माइनस दोनों। ठीक है, ये तो बात हो गई। जब मुझे x प्लस वन बाई एक्स से क्या निकालना हो, x प्लस वन बाई एक्स निकालना हो, किस से, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से, क्या रूट में प्लस माइनस रूट में ए प्लस टू। अब बात किस करेंगे, एक्स माइनस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे भाई, एक्स माइनस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे। एक तो निकाल चुका, अब निकालना क्या है मुझे कि एक्स माइनस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे। और मुझे पता है एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ऊपर वाले में तो प्लस टू ए बी होता था जब मुझे ये निकालना था, अब क्या माइनस टू बी हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, दोनों तरफ माइनस टू कर दूँगा, क्या कर दूँगा, दोनों तरफ माइनस टू कर दूँगा। ठीक है, देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इधर भी और माइनस टू इधर भी। क्यों? क्योंकि कोफिशेंट कट जाएंगे भाई, कोफिशेंट सेम है तो भाई कट जाएंगे भाई, अगर कोफिशेंट सेम होते तो एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, ये जो बनेगा वो किसका बनेगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस टू है ही, ये वाला स्क्वायर हट के उधर जाएगा, तो मैं बोल दूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स रूट में ए माइनस टू प्लस और माइनस का। ठीक है, क्या एक्स माइनस वन बाई एक्स जब मुझे निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट में ए माइनस टू। ठीक है भाई, प्लस माइनस रूट में ए माइनस टू, इसको कहीं हम भी ऊपर लिख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा हो और पूछा गया हो भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तो क्या बताऊंगा मैं? मुझे ये बताना पड़ेगा प्लस माइनस रूट में ए प्लस टू। भाई ये तो ऐसा बिल्कुल था। अब बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दे रखा हो ए और पूछा हो मुझसे क्या कि एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। भाई प्लस माइनस का रूट में ए माइनस का टू ये होगा। अब इसे हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं होता है या नहीं होता। भाई बिल्कुल होगा, जब निकाला है तो बिल्कुल होगा। ठीक है देख लेते हैं। मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है क्या भाई 23 दे रखा है और पूछा गया है कि x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। ठीक है दोनों ही निकाल लेते हैं इसे एक ही बार में ख़त्म करते हैं। क्या x माइनस वन बाई एक्स और क्या निकालना है x प्लस वन बाई एक्स मेरा क्या होगा, दोनों एक साथ ही निकाल लेते हैं। पहले अपना वही प्रूफ करने वाला बेसिक मेथड, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, उधर भी अगर मैं माइनस निकालना हूँ तो 23 माइनस टू इधर भी, ये किसका बन जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और उधर कितना आ जाएगा 21। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा या दोनों तरफ रूट करूंगा तो मुझे क्या देगा सकल, सकल ऐसी देगा भाई रूट में 21 किसका हो जाएगा प्लस और माइनस का, किसका प्लस और माइनस का। ये तो बात हो गई कब, जब मुझे x माइनस वन बाई एक्स निकालना हो, क्या x माइनस वन बाई एक्स निकालना हो। अब क्या जब मुझे x प्लस वन बाई एक्स निकालना हो क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 23 दे रखा है। मैं दोनों तरफ ही क्या करूँगा प्लस टू करूँगा, क्यों मुझे प्लस में निकालना है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू और इधर भी 23 प्लस टू। भाई ये किसका हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। भाई जब मैं उधर करूँगा तो ये देगा मुझे क्या एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 5, क्या देगा x प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस का 5। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है मैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे है भाई, दे रखा है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 79 और पूछा गया है कि भाई फाइंड एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा। भाई सिंपल सी बात, जब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना तो क्या होगा प्लस माइनस रूट में ए प्लस टू, क्या प्लस माइनस रूट में ए प्लस टू। भाई यहाँ से क्या निकल के आएगा एक्स प्लस वन ए एक्स, कैसे प्लस माइनस रूट में ए प्लस टू, ए प्लस टू ए कितना है मेरा यहाँ पर 79 है, क्या है 79 प्लस माइनस रूट में ए तो 79 और प्लस टू कितना दे दिया मुझे प्लस और माइनस का रूट में 81 और 81 मुझे पता क्या होता है प्लस माइनस का 9। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही जल्दी जल्दी होने लगेंगे, लेकिन आप ये सोचो जिसने बिगनिंग की है
धीरे धीरे क्वेश्चन होंगे, समझ भी धीरे धीरे, एक बार ना है वीडियो में समझ के दूसरी बार वीडियो देखो, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ। पूछा है मेरे से कि फाइंड x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, वही सिंपल सी बात है क्या। इससे मेरे पास दोनों चीज़ें निकल के आती हैं, x माइनस वन बाई एक्स और x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ निकलवाऊँगा क्या, x माइनस वन बाई एक्स अपने आप घर पे जाके निकालना अपने आप, x प्लस वन बाई एक्स निकाल के देखना। यहाँ से क्या आएगा, x माइनस वन बाई एक्स, सिंपल सी बात है, जब मैं प्लस से माइनस में जाऊँगा तो क्या होगा, माइनस होगा क्या होगा, प्लस माइनस रूट में a माइनस क्या टू, a माइनस टू प्लस माइनस रूट में ए माइनस टू। ए मेरे पे क्या है, सेवन है भाई, माइनस का टू, सेवन माइनस टू कितना आ गया, रूट में प्लस माइनस फाइव आंसर। जब मैं अगर हम वैसे करते हैं जैसे बेसिक है तो क्वेश्चंस बहुत लेंथी चला जाता और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं भाई, एक घंटे दे रखे उसमें 100 क्वेश्चंस भी करने हैं, पर इतना जब मैं एक क्वेश्चन में लगा दूंगा तो भाई और क्वेश्चंस को भी देने पड़ेंगे, इसलिए ज़्यादा ट्रिक से क्वेश्चंस करें और यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होंगी सारी ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, और ट्रिक भी कैसे, जब प्रूफ कर देंगे उसके बाद ही क्लास, उसके बाद ही ट्रिक बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 दे रखा है और मुझे फाइंड करना है क्या एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। देखो, जब मैं सिंपल सी माइनस निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस से माइनस, प्लस से प्लस। ठीक है, यहाँ से तो मुझे निकालना है x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, प्लस माइनस रूट में a माइनस टू, ए स्टेप 18 है मेरा और माइनस का 2 प्लस माइनस का रूट में 16 और प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। नॉर्मली बोलूं तो कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए, ये रीजनिंग में भी आपको मदद करेगा करने में, और 1 से लेकर 20 तक क्या क्यूब भी याद होना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, चाहे वो रीजनिंग के हों चाहे वो मैथ के हों, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन इस प्रकार है भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 119। और पूछा क्या है मेरे से, पूछा है भाई कि x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा। यहाँ से हम दूसरी चीज़ भी निकाल सकते हैं क्या, x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा, दोनों ही देख लेते हैं। एक चीज़ और भाई, हम इस तक जब भी पहुँचेंगे प्लस और माइनस में, आपको ये दिख रहा होगा, मुझे चाहे x प्लस वन बाई एक्स हो चाहे x माइनस वन बाई एक्स हो,
मेरे ये दोनों जब ही निकलेंगे, जब मेरे पे क्या हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर, अगर मैं चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूँ, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ, आएगा क्या मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ से मैं अगर माइनस निकालूँगा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना ही मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स पता है, ना ही मुझे एक्स माइनस वन बाई एक्स पता है। अगर दोनों में से एक चीज़ पता होती तो मैं उसको भी निकाल के कर सकता था, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ही निकालूँ। कैसे निकलेगा भाई? प्लस माइनस का ना थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए चला गया था मैं। ठीक है, देखते हैं भाई, मैंने क्या बताया था, ए प्लस, जब मुझे प्लस में लाना हो तो ए प्लस टू होता, वन वन नाइन है प्लस टू क्या देगा, प्लस माइनस का, और 121 रूट में 121 किसका स्क्वायर होता भाई, 11 का। अब मुझे अगर क्या निकालना, एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना हो और एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना हो, प्लस में निकालना हो, मैं दोबारा क्या कर दूंगा, प्लस माइनस का रूट में ए ए प्लस क्या टू, ए कितना है 11 प्लस टू, मैं बोल दूंगा प्लस माइनस रूट 13 आंसर आ गया। सबके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर आपने यहाँ पर ए है वो प्लस में ही क्यों लिया, माइनस में क्यों नहीं लिया? भाई अगर मैं यहाँ पर वैल्यू माइनस में ले लेता, प्लस माइनस, माइनस 11 प्लस टू होता, कभी भी वैल्यू अगर रूट के अंदर माइनस में है, किस में है, माइनस में, ये हमारे कोर्स में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब रूट में अगर माइनस वन होता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं भाई, आयोटा मान लेते हैं, और आयोटा हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने क्या माना है, ए को 11 ही माना है, प्लस का 11, माइनस का नहीं लिया है। ठीक है, अब बात क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालते हैं भाई। जब मैं x माइनस वन बाई एक्स निकालूंगा क्या होगा, प्लस माइनस रूट में a माइनस टू, प्लस माइनस रूट में a माइनस टू, ए कितना है 11 है, माइनस का 2, प्लस माइनस 9 इक्वल टू प्लस और माइनस का कितना 3, क्या आंसर, प्लस माइनस का 3 आंसर। मैंने माइनस 11 क्यों नहीं लिया वो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वो आयोटा वाला केस चला जाएगा, और आयोटा हम अभी अभी क्या हमारे कोर्स में है ही नहीं आयोटा। क्वेश्चंस आगे लेके चलता हूँ मैं, क्या दे रखा है क्वेश्चंस, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 194 एक्स की पावर हाफ प्लस वन बाई एक्स की पावर हाफ। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, क्या एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कुछ x है ना सिर्फ, तो उसकी पावर 1 होती है, और अगर मैं 1 की पावर आधी करूँ तो हाफ होती है, या 0.5 बोल दूँ, चल रही है, हाँ हाफ होती है भाई, पावर हाफ ही का वाला केस तो है, और भाई प्लस का केस है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से मेरी हाफ निकल के आएगा, प्लस वन बाई एक्स की पावर हाफ निकल के, क्या करूँगा मैं, प्लस माइनस का रूट में ए माइनस टू, अगर प्लस है तो प्लस करूँगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। भाई ए कितना है 194 है, प्लस माइनस रूट में 194 प्लस का टू, प्लस माइनस 194 प्लस टू कितना 196, कितना है यहाँ से 196 प्लस माइनस 196 किसका रूट होता है भाई, 14 का होता है, 14 जा 196,
बहुत धीरे क्वेश्चन समझा रहा हूँ और हर चीज़ एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या दे रखा है। एक्स की पावर 4 ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, इक्वल टू 119। फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। यहां से दो बार पूछ सकते हैं क्या क्या, एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 बाय एक्स ए प्लस बी प्लस सी। एक बार प्लस में पूछ सकता और माइनस में पूछ सकता, क्यों, इसी से मैं प्लस भी निकाल सकता हूँ और माइनस भी निकाल सकता हूँ। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, यहाँ से तो मेरे पास क्या निकल गया है, एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना। भाई जब मैं प्लस से प्लस में जा रहा हूँ, आंसर के फॉर्मूला किसमें होगा, प्लस में ही होगा, प्लस माइनस रूट में ए प्लस 2 प्लस माइनस रूट में ए कितना 119 प्लस 2 कितना 121 और 121 रूट किसका होता है भाई, 11 का होता है। अभी अभी बताया कितने का होता है, 11 का। अरे भाई ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस कराया था, क्या जब मुझे दे रखा था क्या एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 119 है, वही क्वेश्चन है। तो जो ये है वो होमवर्क है आपका, घर पे करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।